नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सुविचार कोश में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत वेलकम स्पीच। हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और हमारे चैनल सुविचार कोश को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। चंदन की खुशबू चौखट पर बिछाते हैं, पवित्र भाव से खुशी के दीप जलाते हैं। मेरे अतिथि आए हैं आज भगवान बनकर, हमारे भगवान को हृदय से तिलक लगाते हैं। माननीय मुख्य अतिथि जी, अध्यक्ष महोदया, सम्मानित शिक्षक गण और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मैं दिव्यांशी जैन, कक्षा 11 की छात्रा हूँ। मुझे आज बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है कि इस वार्षिक उत्सव में मुझे एंकरिंग करने का मौका दिया गया। यह एक कठिन कार्य है, परंतु इन कठिन कार्य को धीरे धीरे इस विद्यालय से सीखकर हम अपने भविष्य में अग्रसर हुए हैं। मुझे बेहद खुशी महसूस होती है जब मैं यह सोचती हूँ कि इस विद्यालय में अध्ययन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। आज इस विद्यालय की प्रगति से पूरा जिला परिचित है। यहाँ की शिक्षण संबंधित गतिविधियाँ साथ ही साथ पढ़ाई के माहौल को देखकर अभिभावक बेहद खुश हो जाते हैं। अब अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि इस वार्षिकोत्सव की संध्या में हमारे विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे जिले के माननीय सांसद जी उपस्थित हैं। उनके सम्मान में मैं यही कहूंगी, ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती आज हमारे बीच में आए हैं। मैं आप सभी से विनम्र निवेदन करूंगी कि जब वह इस मंच पर उपस्थित हो तो आप सभी अपने स्थान में खड़े होकर उनका तालियों से स्वागत करें। अब मैं हमारे माननीय अतिथि जी से विनती करूंगी कि वह वंदनीय मां शारदे की प्रतिमा जी में दीप प्रज्वलित करें और साथ ही साथ पुष्प अर्पित करें। और अब मैं अपनी बातों को विराम देते हुए माननीय अतिथि जी के स्वागत में यही कहना चाहूंगी, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है आपके मुस्कुराने से, महफिल में रौनक आ गई श्रीमान आपके आने से। धन्यवाद।